काला हिरन मामले में जोधपुर कोर्ट ने सुनाई सलमान को सजा। जानिए क्या था पूरा मामला। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल पीएमएस मीडिया की बॉलीवुड की खबरों में आपका बेहद स्वागत है। 1998 में हुए काला हिरन मामले में आज जोधपुर कोर्ट ने अपनी तरफ से सलमान खान को सजा सुना दी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने सलमान खान के अलावा सैफ अली खान, नीलम, सोनाली बेंद्रे और तब्बू को बाइज्जत बरी किया है। दरअसल सन 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर ब्लैकबक हंटिंग का मामला दर्ज है, जिसमें सोनाली बेंद्रे, तब्बू, सैफ अली खान और नीलम पर उन्हें उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। अभी हाल ही में बाकी सभी कलाकारों को बरी कर दिया गया है और सलमान को दोषी करार बताया गया है। इस फैसले के बाद बॉलीवुड के 500 करोड़ रुपए दांव पर लग गए हैं। इस मामले में जोधपुर हाई कोर्ट ने सलमान को 5 साल की सजा सुनाई है और इसी के साथ सलमान पर 10,000 रुपए का फाइन भी लगाया गया है। अब सलमान के वकीलों द्वारा आगे अपील करने की बात कही जा रही है। इस मामले में आगे क्या होता है ये तो अपील के बाद ही पता चल पाएगा। अभी के लिए दीजिए बॉलीवुड की खबरों से इजाजत। इस तरह की खबरें अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए हमारे चैनल पीएमएस मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही फिर हाजिर होंगे आपके सामने ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।